हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो छात्र हैं वे हमको बराबर मैसेज कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आई हुई है बजट को लेकर। दोस्तों आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन क्या है, नोटिस क्या है? ये एक नोटिस है। नोटिस कैसा है कि आप लोगों का 551 करोड़ का बजट पास हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। दोस्तों इस नोटिस की क्या सच्चाई है आप लोगों को पूरा समझाएंगे। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों की आने वाली वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आप लोगों की जो नोटिस आया हुआ है, दोस्तों उसकी बात करेंगे। आप लोग मेरी होम स्क्रीन पर देख सकते हो इस नोटिस की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों नोटिस इस प्रकार है, जूम करके हम आप लोगों को दिखा दें। दोस्तों यहाँ पे सो आप लोग देख रहे होंगे, सो यहाँ पे इस नोटिस की हम बात करते हैं। इस नोटिस में एक्चुअली लिखा क्या है, क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस नोटिस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पिछला वर्ग कल्याण विभाग, ये जो पिछला वर्ग होता है यानी कि ओबीसी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, पत्र सूचना शाखा, दोस्तों यहाँ पे देखिए दसमोत्तर शुल्क प्रति योजना के तहत 551.28 करोड़ रुपये मंजूर। तो यहाँ पे आप लोगों का 551 करोड़ मंजूर हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रदेश सरकार ने पिछला वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दसमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 551.88 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए निदेशक पिछला वर्ग कल्याण को व्यय की स्वीकृति सहित उपलब्ध करा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लोगों का जो पिछला वर्ग विभाग है उसको दसमोत्तर छात्र प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष यानी कि 500 यानी कि वर्तमान में आप लोगों की शस्त्र में 551.88 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। और यहाँ पे बोला गया है निदेशक और आप लोगों का पिछला वर्ग कल्याण को स्वीकृति कर दिए हैं और उनको दे दिए हैं 551.28 करोड़ रुपए। और दोस्तों क्या बोला गया है, उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछला वर्ग के छात्र छात्राओं अल्पसंख्यक को छोड़कर को प्रवेश शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। दोस्तों यहाँ बोला है उल्लेखनीय है कि जो छात्र ओबीसी में आते हैं और यहाँ पे अल्पसंख्यक को छोड़कर सिर्फ ओनली ओबीसी में जो आते हैं, जैसे कि पिछला वर्ग कल्याण विभाग में जो आते हैं उनके लिए ये बजट है अल्पसंख्यक को छोड़कर, ठीक है। और दोस्तों उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है और ये इस आप लोगों की मद में दिया जाता है कि आप लोगों की छात्रवृत्ति जो है वो भी ओबीसी वालों के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों की छात्रवृत्ति के लिए 551.88 करोड़ दे दिए, ठीक है। तो ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही एक छात्रों को लिए बहुत ही एक अच्छा मैसेज है। दोस्तों इसकी आप लोगों को बात करें सच्चाई की इस नोटिस की, तो देखने और पढ़ने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सोचोगे 551.28 करोड़ रुपए पास हो चुका है तो मेरी छात्रवृत्ति अब आने वाली है और मेरे बैंक अकाउंट में ज़रूर आएगी। दोस्तों इस नोटिस की हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इस नोटिस को देखिए। दोस्तों लखनऊ के बाद आप लोग की डेट नहीं डली हुई है। दोस्तों जब भी नोटिस आता है, जब आप लोगों को बता दें यहाँ पे नोट, आप लोगों को नोट कर लीजिए कि आप लोगों की डेट डली होती है, ठीक है। अगर जो आप लोगों का डेट नहीं डला है तो वो नोटिस कोई काम का नहीं होता है। दोस्तों इस समय लखनऊ के बाद कोई डेट नहीं डली, पहली चीज़ तो ये हो गई थी, ठीक है, कमी। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अपर सूचना अधिकारी, जब अपर सूचना अधिकारी और असिया खातून, ये कोई ऐसा नाम है मतलब कि जो मिलता नहीं है, मतलब मैच नहीं होता। असिया खातून ये कोई ऐसा ही नाम रख दिया। और दोस्तों यहाँ पे और आप लोगों को थोड़ा तीसरे नंबर पे हम जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट www.informationupnicin, ये इन वेबसाइट इन्होंने डाली है। एक्चुअली जो करंट आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो है पता क्या होती है, www.government.nic.in, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ है, वेबसाइट ही गलत लिख दिए। तो ये दोस्तों जो
आप लोगों का नोटिस है, बहुत सारे छात्र जो इसको वायरल किया जा रहा है, तो ये जो नोटिस है दोस्तों सरासर फेक है। मतलब कि आप लोगों को बता दें ये फेक नोटिस है, आप लोग इसको मत समझिए कि आप लोगों का बजट पास हो चुका है, आप लोगों की छात्रवृत्ति आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, ये जो बजट है पास नहीं हुआ है। और आप लोगों को बता दूं, अगर इस बजट को पास किया जाता तो मैं 3 अखबार पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण और अमर उजाला और दोस्तों दैनिक भास्कर। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं ज़रूर देखता आज के अखबार में, अगर जो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता। लेकिन ऐसा कोई अखबार में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के छात्रवृत्ति को लेकर नहीं है, तो ये नोटिस जो है फेंक है और इसको गुमराह किया जा रहा है छात्रों को इसको दिखा के, तो ऐसा जबकि नहीं है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, इस नोटिस को आप सच मत समझिए, आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर बताएंगे एक सेकंड सवाल कि आप लोगों की छात्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी बहुत सारे छात्र जो हैं जैसा कि कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें, आप लोगों की छात्रवृत्ति आएगी, लेकिन आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें पिछले मैं वीडियो में बताता रहा कि 15 तारीख की लास्ट डेट है, लेकिन अब यहाँ पर मालूम चला है कि आप लोगों की लास्ट डेट जो है, आप लोगों की लास्ट डेट लास्ट अप्रैल तक आप लोगों को वेट करना है छात्रवृत्ति को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट अप्रैल तक जब वेट करोगे तो आप लोगों की छात्रवृत्ति तय है आना, ठीक है। जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को वेट तो करना होगा, इंतजार तो आप लोगों को ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को अपनी छात्रवृत्ति के लिए बिल्कुल इंतजार करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वीडियो, और जो चैनल भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। Wow.